गाइज वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हूँ मैं अंतरिक्ष भवन के बाहर, तो जा रहा हूँ बाहर की ओर। यहाँ पे अंतरिक्ष भवन है, इसी रोड से मैं आगे जाऊंगा। चलते हैं बाहर की ओर और दिखाते हैं आपको बहुत खूबसूरत व्यू रोड का। बाहर रोड है काफ़ी, ये VIP एरिया में आता है यहाँ, और इसी रोड यही रोड गया इंडिया गेट की साइड। देखो बोर्ड लगा हुआ है, तो हमको राइट मुड़ना है जहाँ पे धरना दिए जाते हैं वहाँ पे। देखिए चलते हैं आगे की ओर। 19 सेकेंड 18 टाइल स्टाइल मार्ग है, इस पर चलते हैं अपन। तो इसका व्यू देखिएगा गाइस, बहुत ही सुंदर है और अच्छा एरिया माना जाता है होली के। होली इस फागुन के महीने में, ये जो सामने आप फूल देख रहे हो, फूल वाला पेड़ देख रहे हो, कितना खूबसूरत पिंक कलर में खिला हुआ है। देखो देखिए, चलिए चल रहे हैं, सीधा चलेंगे और एक राउंड मारते हैं। सामने का व्यू दिखाते हैं आप। जंतर मंतर मार्ग की ओर चल रहे हैं अपन, जहाँ पे ज़्यादा धरना प्रदर्शन होते हैं। इस रेड लाइट पार करते के साथ ही आगे धरना प्रदर्शन वाला स्थल है। ये पिचकारी बेच रहा है, क्या चीज़ है, बोतल में भर के लड़का। ये देखो कैसे पिचकारी कर ली है, इसकी अपन पिचकारी बना सकते हैं। इसी रोड पर भी दिखा रहे हैं, चलिए हम चलते आगे। तो गाइज आगे है जंतर मंतर, ये रोड शुरू हो गया है। यहाँ से आप देख रहे हो कितना सुंदर रोड है। एलोवेरा देखो, ये एलोवेरा का पेड़ है, देखो फलने लगता है ऊपर। चलिए हम फिलहाल आ गए हैं जंतर मंतर पे, क्योंकि मेरे जो राइट साइड में जो दिख रहा है ना, ये सामने एक पार्क है जो ये जंतर मंतर का ही है। यहाँ से ये लाल दीवारें शुरू हो जाती हैं। ये सामने मेरे सामने देखो उस साइड ये बिल्डिंग है ऊंची, और ये जंतर मंतर का अंदर है घूमने फिरने का। मैं अंदर नहीं जाऊँगा, बाहर से दिखा रहा हूँ, देख रहते हैं। और लेफ्ट साइड पर यहाँ पर बंद होता है क्योंकि धरना प्रदर्शन होते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये लगा रखे हैं इधर, ये पुलिस बूथ है यहाँ पे। तो गाइज आप सामने देख रहे हो मेरे राइट साइड में, ये देखो लाल लाल दिख रहा है, यही है धरना प्रदर्शन का, वो जिसको जंतर मंतर मैन बोलते हैं। अंदर तो शायद मैं गया नहीं कभी, पर कभी जाना होगा तो जरूर जाऊँगे। और आप सामने का भी दिखेगा, ये क्या खूबसूरत व्यू है, देखिएगा कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। देखिए कितना सुंदर व्यू है, आप पेड़ देखिए, एक इन कीजिए, देखो ये पेड़ जो है ना बना रखे हैं, ये कितने सुंदर हैं। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। हमको यहाँ से राइट मुड़ना है, हमको यहाँ से राइट मुड़ना है इधर को, और हम जाएँ क्रांत प्लेस से पूरा राउंड मारेंगे। सेंट्रल पार्क है वहाँ पे, वहाँ पे भी ऐसे खूबसूरत पौधे लगभग पूरे दिल्ली में लगाए गए हैं। यहाँ भी सामने लगे हुए हैं और आगे भी लगे हुए हैं, तो आगे चलते हैं दिखाते हैं आपको। दिख रहा है ये पार्क, इसके अंदर है जंतर मंतर का मेन जो व्यू होता है वो अंदर ही है, लेकिन हम मैं बाहर से दिखा रहा हूँ आपको। हम राइट मुड़ चुके हैं और यहाँ से भी सेंट्रल पार्क का जो झंडा है वो दिखाई दे रहा है साफ साफ। और ये देखिए इधर, ये है जंतर मंतर पूरा अंदर जो पार्क है, जो लड़का लड़की जाते हैं, लोग बाग भी बाहर से आते हैं वो भी जाते हैं यहाँ पे अंदर। ये देखिए जंतर मंतर दिखा हुआ है सामने। चलिए हम जा रहे हैं अब CP की ओर और वापसी जाएंगे अपनी जगह पे। काफ़ी खूबसूरत व्यू है कनॉट प्लेस का, लोग बाग काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। कई तरह के यहाँ पे कपड़े भी अच्छी तरह मिल जाते हैं, मार्केट है काफ़ी लोगों को पसंद है CP, शॉर्टकट में CP है वैसे कनॉट प्लेस। और गार्डन इतना लाजवाब है सामने, बहुत अच्छा है। तो देखिएगा इस सामने जो पालिका बाज़ार है, ये ऊपर शेर बना हुआ है, देखिए सिल्वर कलर में शेर बना हुआ है। फूलों की सजावट है, हमारा तिरंगा लहरा है देखो सामने। ये देखिए तो हम लेफ्ट मुड़ रहे हैं भाई। सबसे बड़ी बात है मैं आपको चरखा दिखाऊंगा, यहाँ पे गांधी जी का चरखा बना हुआ है ऊपर, ये पालिका बाजार के ऊपर। ये देखिए ये बना हुआ है यहाँ पे, चरखा बना हुआ है सामने। और ये खादी उद्योग है यहाँ पे, चरखा है, चरखा है। और ये है पूरा CP, आप देख रहे हो ये पूरा CP है।
ये देखिए पूरा सीपीए, राइट लेफ्ट पूरा सीपी है। और यहाँ से आगे से जाओ तो आगे भी स्कूल है, क्या है सामने स्कूल है सरकारी। और हम पूरा राउंड मार रहे हैं इनर सर्कल, या राइट में इनर सर्कल है ए ब्लॉक। चलिए तो गाइस चलते हैं, पूरा आज तो भीड़ नहीं है ज़्यादा गाइस, चलिए चल रहे हैं। सामने देख रहे हो ये पचकुइयाँ रोड है लेफ्ट साइड को, गया है कोई जैसे ये जी ब्लॉक है, आगे ए ब्लॉक होगा, ऐसे ही कई ब्लॉक बना दिए गए इसमें ताकि लोगों को आसानी रहे ढूंढने में। चलिए सामने का भी देखिए गाइस, बड़ा ही सुंदर व्यू है रोड का। कनॉट प्लेस अंग्रेजों का बसाया हुआ है, काफ़ी पुराना है, लेकिन ये 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो इसकी रिपेयरिंग हुई थी, नहीं वरना काफ़ी पुराना लग रहा था, लेकिन अब फिर से ही काफ़ी उस टाइम इसकी सब काम वाम हुआ था, इसका साफ़ सफाई पलस्तर वगैरह हुआ था तो ये काफ़ी अच्छा बन गया था। चलिए गाइस यहीं से मैं लेता हूँ आपको राइट और फिर सेंट्रल पार्क की साइड चलते हैं। यहाँ से गाइस राइट लेते हैं, अंदर से ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन लिखा हुआ है, अंदर से चलते हैं। सामने देखिएगा इस झंडा दिख रहा है आपको सेंट्रल पार्क का, सी ब्लॉक दिख रही है सामने, सी ब्लॉक है पूरी, बड़े बड़े शोरूम, काफ़ी लोग बाहर से भी आते हैं। और ये सामने झंडा है पूरा राजीव चौक, ये देखिए सामने का भी देखिएगा इस कितना खूबसूरत व्यू आता है। और वैसे ही मन लगता है यहाँ पर, काफ़ी जो भी दिल्ली आता है वो कनॉट प्लेस घूमना ज़रूर चाहेगा। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, आपको सामने दिखाऊंगा यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस है, यहाँ पे लोग बाग कॉफ़ियाँ वगैरह यहाँ पीते हैं क्योंकि ये फेमस है यहाँ पे। चलिए हमको लेफ्ट होना है आगे से। तो गाइज मैं जंतर मंतर घूम के वापसी आ गया है अपने इनर सर्कल में अंदर, और काफ़ी आपको मैंने व्यू दिखाया है। और यहाँ से ये सामने आप पेट्रोल पंप देख रहे हो, और यहाँ के सामने बिल्डिंग कितनी खूबसूरत लग रही है, देखो सामने कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, सामने बहुत अच्छा नज़ारा है। और ये देखो सामने इधर मारुति का गाड़ियाँ लगी हुई, यहाँ पर शोरूम है पीछे आगे है, और ये सामने है भारतीय पेट्रोल पम्प, और यहीं से हमें राइट जाना है आगे, तो हम चलते हैं आगे, आगे की ओर चल रहे हैं, चल रहे हैं आगे की ओर। और हमें जाना है अंतरिक्ष भवन, जहाँ से मैं आया था वहीं वापसी में जा रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं। कितना सुंदर व्यू गाइस देखिए, बहुत सुंदर खूबसूरत बिल्डिंग, और एक सामने इधर है